Hello everyone. Today we are going to discuss next topic, numerical problems based upon Raoult's law and relative lowering in vapor pressure. First numerical we are going to discuss related to Raoult's law. First of all, vapor pressure of chloroform and dichloromethane. Chloroform CHCl3. Dichloromethane CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mm of mercury and 415 mm of mercury respectively. Mean vapor pressure chloroform or dichloromethane ke given hai beta ye in pure form mein given hai. Calculate vapor pressure of solution ka vapor pressure hume calculate karna hai. Vapor pressure of solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane. Means the solution mix karke banaya gaya hai 25.5 gram of chloroform or 40 gram dichloromethane ka mix kiye hain at same temperature 298 Kelvin. Aur second fir hame calculate karna hai yahan par. Calculate mole fraction of each component in vapor phase. Vapor phase mein mole fraction bhi calculate karni hai, isko bhi discuss karenge. So first of all, how we can solve this numerical? कैसे solution करें इसका? भाई हमें vapor pressure of solution calculate करना है. You know very well बेटा, according to Raoult's law क्या था? Vapor pressure of solution is equal to pressure of component A plus pressure of component B, PA plus PB. Formula में हमने discuss किया था. A और B हम यहाँ पर जो हमें कंपोनेंट गिवन हो वो नेम लिख देते हैं यहाँ पर. वन इज क्लोरोफॉर्म एंड अदर इज डाइक्लोरोमेथेन. मीन दिस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ, हमें क्या चाहिए, क्लोरोफॉर्म सी एच सी एल थ्री प्लस प्रेस पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमेथेन सी एच टू सी एल टू. पी एंड पी बी आर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कॉम्पोनेंट्स. पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. मीन जो भी हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर. इफ वी are able to apply formula, then we can calculate easily what we require here. Okay, now ab partial pressure of component kya hota hai bhai? Partial pressure of that partial pressure of kisi component ka hoga, that is vapor pressure of that component in pure form p naught of this CHCl3 into its mole fraction of chloroform ye chahiye hum, plus partial pressure of CH2Cl2 dichloromethane. Mean vapor pressure of this component in pure form CH2Cl2 into mole fraction of this component CH2Cl2 in the solution. ये हमें चाहिए यहाँ पर. मीन हमें टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए ये चाहिए हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म चाहिए यहाँ से एंड वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म ऑफ दिस कंपोनेंट. वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में गिवन है, वेपर प्रेशर का क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमेथेन आर दिस, प्योर फॉर्म में ही गिवन है ये तो हमारे पास है दोनों वैल्यूज. हमें दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन चाहिए. अगर ये है तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इजिली इन दैट केस. ओके, नाउ कैसे हम देखो फिर यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करने के लिए हाउ वी कैन सॉल्व. हम क्लोरोफॉर्म पी नॉट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म क्या गिवन है बेटा आपको, दैट इज ये फर्स्ट वाला 200 mm ऑफ मर्करी CHCl3 200 mm ऑफ मर्करी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर डाइक्लोरोमीथेन जो आपको गिवन है बेटा, दैट इज 415 mm ऑफ मर्करी. मर्करी की हाइट के साथ मेजर किए जाते हैं ना, इसलिए mmHg लिखे जाते हैं यूनिट्स यहाँ पर. ओके, नाउ अब ये तो गिवन है आपको, ठीक है. हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स. मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें पहले इसके नंबर ऑफ मोल चाहिए, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. मीन पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. गिवन मास क्या है इसका, देखो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास दिस 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म आर मिक्स्ड, दिस इज गिवन मास. गिवन मास ऑफ दिस क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3 and that is 25.5 gram. What is molar mass of chloroform कितना होता है? क्योंकि अगर आपको इसका भाई
मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है या नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे फॉर्मूला। तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म देखो सॉल्व कर लेते हैं हम। कार्बन में कितना होता है बेटा 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन 1 प्लस दिस क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ पर कर देता हूँ 35.5 मल्टीप्लाई बाई 3 दिस और इसको सोल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी 119.5 ग्राम पर मोल या आ गया इसका। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना बेटा इसका 25.5 और मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म इज 119.5 ये होगा। तो नंबर ऑफ मोल जो आएंगे क्लोरोफॉर्म के आपके यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन दैट इज 0.213 ये नंबर ऑफ मोल आ गए सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस डाइक्लोरोमीथेन आल्सो। डाइक्लोरोमीथेन के लिए फिर से वही हमें गिवन मास देखो कितना है 40 ग्राम गिवन मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 दैट इज 40 ग्राम है। मोलर मास इसका भी कैलकुलेट करना भाई CH2Cl2 का एंड आफ्टर एडिशन ऑफ ऑल दिस एटॉमिक मासेस 12 कार्बन का हो गया हाइड्रोजन 2 हो गया बेटा हाइड्रोजन 2 वाले का तो वो नहीं होता है मल्टीप्लाई बाय 2 एटॉमिसिटी से प्लस क्लोरोफॉर्म 35.5 इनटू 2 टू एटम्स है क्लोरोफॉर्म के यहां पर एंड इट कम्स आउट टू बी कितना आएगा यहाँ पर दिस ये बनेगा आपका 85 ग्राम पर मोल आफ्टर सॉल्यूशन। मोलर मास आ गया इसका भी। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें बेटा फिर से वही फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स CH2Cl2 क्लोरोफॉर्म क्या नाम डाइक्लोरोमीथेन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है भाई इसका देखो 40 ग्राम मोलर मास कितना आ गया बेटा 85 डिवाइड करेंगे आप एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस डाइक्लोरोमीथेन आफ्टर कैलकुलेशन कम्स आउट टू बी 0.470 ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स आ गए दोनों के। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट्स। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस अगर आपके पास एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन आ जाए तो सेकंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यू नो वेरी वेल XA plus XB is equal to 1 अगर XA आपके पास आ गए तो 1 minus XB तो 1 minus XA कर देंगे तो सेकंड XB आ जाएगी आपके पास। तो एक ही सॉल्व करो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कैलकुलेशन में। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्या बनेगा हाउ वी कैन सॉल्व दिस कैसे सॉल्व करें इसके लिए यहां से रब कर देते हैं ऊपर कर लेंगे सॉल्व इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म हमें कैलकुलेट कर लिया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 पुट करो भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितने आए हैं 0.213 डिवाइडेड बाय 0.213 प्लस 0.470 These are the number of moles of both of these components. अब after solution what we get? इसको solve करेंगे, इनको add करके, इसे divide करेंगे 0.312. This is the mole fraction of component 1. Similarly, after therefore, mole fraction of dichloromethane कितने आ जाएगी CH2Cl2. You know very well beta, XA plus XB is equal to 1 होता है. दो component है chloroform and dichloromethane. Chloroform की mole fraction आपके पास आ गई है. तो सेकंड डाइक्लोरोमीथेन की कैसे कैलकुलेट कर देंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म ये हो गया 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल तो 1 ही होना है इसका
मिनट कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा ये, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस डायक्लोरो मीथेन इज इक्वल टू 1 माइनस 0.312, सेपरेट करोगे 0.688 आ जाएगा, दिस इज 0.688 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट आल्सो, वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट आल्सो, नाउ मोल फ्रैक्शन आ गए दोनों कंपोनेंट की। वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म आपके पास है, पुट द वैल्यूज एंड वी कैन कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देयरफॉर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहां पर पुट द वैल्यूज, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए क्लोरोफॉर्म है जो इन प्योर फॉर्म कितना भाई, दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म की 0.312 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म 415 mm मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट कितनी होगी 0.688। इनको सॉल्व कर लो, अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी इनको लिख लेते हैं बिकॉज हमें आगे वेपर प्रेशर चाहिएंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर इन सेकंड पार्ट जिसमें हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन वेपर फेज, वहां पर भी आपको रिक्वायर्ड होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इट कम्स आउट टू बी 62.4 प्लस सेकंड जो आएगा यहाँ हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद दिस कम्स आउट टू बी 285.5 याद है, ठीक है ऐड करो दोनों को, दिस इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऐड करेंगे हम दोनों को बेटा एंड इट कम्स आउट टू बी दैट इज 347.9 ऐड करने के बाद mm ऑफ मर्करी या आफ्टर एडिशन। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो गया है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 347.9 mm ऑफ मर्करी, हमारे पास PA आ गया है, ये दिस वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट फ्लोफॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट भी आ गया, टोटल वेपर प्रेशर भी आ गया, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, ठीक है नेक्स्ट सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन के लिए। क्यों सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, तो बेटा वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कैसे करें, इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन इज रेशियो ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट विद द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मीन इफ यू डिवाइड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट विद टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज इन सॉल्यूशन हमने मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट किया था बाय एक्स, इन वेपर फेज वी कैन रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन बाय वाई, वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट CHCl3 इन सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर इसका चाहिए आपको अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P टोटल मीन PS। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन क्या होगा भाई, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस CH2Cl2 ओवर P टोटल ये होगा। एक और पॉइंट, बट जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मूला अप्लाई करके, अगर एक की मोल फ्रैक्शन आपके पास आ जाती है, मैंने बार बार बोला आपको कि बेटा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, और सेकेंड कंपोनेंट की तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट अगेन वेपर फेज में भी ये होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट CHCl3। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट आ गई है और देन वी कैन कैलकुलेट दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, कैसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट को, सेकेंड की भी आ जाएगी नो प्रॉब्लम। तो पहले हम इसको पुट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट CHCl3 इक्वल टू क्या होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म का ये रहा दिस 62.4 ओवर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 347.9 डिवाइड करेंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 0.18 डिवाइड करने के बाद दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट हम डाइक्लोरोमीथेन कैसे कैलकुलेट करें बेटा,
1 minus mole fraction of chloroform HCl3, 1 minus 0.18. And after subtraction, kya aega? 0.82. This is mole fraction of second component in vapor phase. तो बेटा कुछ भी नहीं है, हमें partial vapor pressure calculate करने हैं पहले दोनों component के, और वो कैसे calculate करेंगे? Partial vapor pressure Raoult's law को apply करेंगे तो क्या होगा? Is equal to mole fraction of that component with its vapor pressure in pure form. इन दोनों की multiplication होता है, इसी तरह PV second component के लिए हो गया ये. Vapor pressure pure form में हमें given थे statement में, mole fraction हमने calculate कर ली है. मोल फ्रैक्शन कैसे? रेशो द नंबर ऑफ मोल्स होता है, पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए गिवन मास से, उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट की, उनकी वैल्यूज हमने यहां पर पुट की है. आफ्टर पुटिंग वैल्यूज हमने ऐड किया इसको, टोटल वेपर प्रेशर आ गया सॉल्यूशन का, ये दैट इज पी टोटल भी बोल सकते हैं इसको हम. फिर सेकंड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना था भाई? सेकंड पार्ट में हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना थी इन वेपर फेज. सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन में हम मोल फ्रैक्शन का सिंबल x लेते हैं, देन इन वेपर फेज वी हैव टू टेक दिस सिंबल और वी कैन टेक अनदर सिंबल दैट इज y. हमने y ले लिया वेपर फेज में सिंबल मोल फ्रैक्शन का. तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है दोनों की, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, करते हैं, कर रहे हैं हम, उसी का पार्शियल वेपर प्रेशर यहां पर पुट करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर. वैल्यूज हमारे पास है, पुट किया, सॉल्व हो गया. सेकंड की सेम वे से, उसी वे से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन इज यूनिटी, आइदर इन सॉल्यूशन और इन वेपर फेज, दोनों में फॉर्मूला वही रहेगा, मोल फ्रैक्शन सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज यूनिटी. वही पॉइंट अप्लाई कर दिया आपने, सॉल्व कर दिया इसका. नाउ सेकंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, इजी है बिल्कुल, थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझ के न्यूमेरिकल को अच्छी तरह आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ यू कैन सॉल्व इजीली दिस न्यूमेरिकल्स, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को. तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर टू, द वेपर प्रेशर ऑफ the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दे रखा, मैं प्योर फॉर्म में आपको वेपर प्रेशर गिवन है, ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 gram is added to 39 gram of benzene, is added to 39 gram of benzene having molar mass beta, molar mass आपको statement में ही given है benzene का, that is 78 gram per mole. This the vapor pressure of the solution, the vapor pressure of the solution then is mean ये 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बन गया, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज आपको गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज 0.845 bar. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम ही होता है प्योर सॉल्वेंट से, देखो ये प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का है. ओके,
व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ये आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मोलर मास, मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस मीन जो सॉल्यूट हमने ऐड किया है उसका मोलर मास हमसे पूछा जा रहा है कि उसका मोलर मास क्या होगा, यू हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट। हाँ जी, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लो ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर ले आप। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज दिस, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर आपको गिवन है, पहले डाटा गिवन डाटा को नोट करो आप, पी नॉट ए मीन सॉल्वेंट है ये 0.850 बार, पी नॉट ए आपको गिवन है। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज सॉल्यूट किस जिसका मास कितना है 0.5 ग्राम मीन W2 आपको दे दिया कि 0.5 ग्राम, ये ऐड किया है मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास W2 सॉल्यूट है तो 2 से इंडिकेट करेंगे सबस्क्रिप्ट में, W2 कितना 0.5 ग्राम, 239 ग्राम ऑफ बेंजीन ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट होता बेटा, तो W1 कितना गिवन है आपको सॉल्वेंट का 39 ग्राम ऑफ बेंजीन हो गया। ये मोलर मास बेंजीन का आपको गिवन है M1 दैट इज इक्वल टू 78 ग्राम, मोलर मास भी आपको दिया है, हमसे क्या पूछा है अभी क्या बोला था उसके बाद, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स PS आपको दे दिया, P नोट है ये है PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या बन गया 0.845 बार, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया हमने। क्या पूछा गया आपसे, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, M2 आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, M2 हमें कैलकुलेट करना है। देखो पी नोट ए गिवन है, पी एस गिवन है, मासेस गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, रिलेटिव लॉ ऑफ वेपर प्रेशर से है रिलेटेड, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, बोलो बेटा क्या था फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू X2, और X2 को हमने अज्यूम कर लिया था, क्या सोल्व करने के बाद मैंने आपको बोला था कि आप इजिली लर्न रखा करो ये फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2/N1 इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, जल्दी डाइल्यूट हो, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पर 0.5 के बजाय हम 10 ग्राम ले लेते हैं 20 ग्राम ले लेते हैं ना, तो ज्यादा अमाउंट आ जाती है, तो फिर आप पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस कंप्लीट फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था वो हमें यूज करना चाहिए था फिर, ठीक है। अब पी नोट ए अब बहुत ही कम अमाउंट में ऐड किया है जो ये सॉल्यूट है, सो वी हैव टू ऐड यूज दिस फॉर्मूला रिलेटिव लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू N2/N1, इसको ओपन कर देते हैं बेटा हम N2/N1 को, N2 क्या होगा W2/M2 और N1 क्या होगा W1/M1, मैं इसको यहीं पुट कर देता हूँ W2/M2 और नीचे N1 था तो W1/M1 ये बन गया था। अब जो गिवन है वो वैल्यूज पुट कर दो इसमें, जो कैलकुलेट करना हुआ आ जाएगा अपने आप ही, मैं यही पॉइंट बता रहा था आपको जब मैंने डेरिवेशन करवाया था उस टाइम पर। नाउ सी हियर व्हाट वी कैन सॉल्व एंड व्हाट वी कैन सॉल्व हियर, तो पी नोट ए और पी एस की वैल्यूज पुट करेंगे बेटा हम यहाँ पर, पी नोट ए कितना है 0.850 माइनस पी एस कितना है भाई 0.845 और पी नोट ए 0.850 पी नोट ए दिस प्योर फॉर्म में इज इक्वल टू W2/M2 इज इक्वल टू W2/M2 M2 हमें कैलकुलेट W2 कितना है गिवन मास कितना है यहाँ पर W2 इज 0.5 ग्राम बाय M2 कैलकुलेट करना है आपको इनटू ये ऊपर M1 है हमारा M1 कितना है 78 है और W1 कितना है 39 है बस कुछ भी नहीं है वैल्यूज पुट की है आपने सोल्व कर दो इसको सोल्व करेंगे आफ्टर सॉल्यूशन व्हाट वी गेट M2 जो आ जाएगा आपका सोल्व करके आप देखेंगे बेटा इट कम्स आउट टू बी 170 ग्राम पर मोल कुछ भी नहीं बिल्कुल नीचे है M2 को इधर गया ना इसको सोल्व करके ये मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा इसका डिफरेंस यहां पर आ जाएगा M2 सोल्व हो जाएगा इजीली ठीक है तो आंसर आपका आएगा दैट इज 170 ग्राम पर मोल यू कैन सोल्व दिस न्यूमेरिकल इजीली बिल्कुल इजी है।
Now, next question we are going to discuss related to this topic. Question number third. इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, बस इसमें थोड़ा सा M2 इधर ले आएंगे आप और इसका डिफरेंस नीचे चला जाएगा, ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद. यू कैन सॉल्व इजली दिस, लाइक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन भी लंबी नहीं है, जिनसे बच्चे डरते हैं जब कि लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं होगी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, क्वेश्चन नंबर थर्ड. कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मास, मास कैलकुलेट करना है यहाँ पर. पिछले क्वेश्चन हमने मोलर मास कैलकुलेट किया था, अब मास पूछा गया हमसे. कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. जो मोलर मास इसका गिवन है आपको, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास आपको बताया गया है. Molar mass of this non-volatile solute is 40 gram per mole. बड़ा important numerical है ये. थोड़ा understanding लेनी है आपको इसमें. Which should be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%. तो वेपर प्रेशर रिड्यूस किया बेटा, 80% रिड्यूस कर दिया. कब हुआ 80% रिड्यूस हो गया वेपर प्रेशर? जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया है प्योर सॉल्वेंट के अंदर. कि कैलकुलेट द मोलर मास, नहीं कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डब्ल्यू टू आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर. मास कितना ऐड करते हैं जो हम, मोलर मास आपको गिवन है, एम टू गिवन है हमें. विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का आपको बेटा गिवन मास है यहाँ पर, ये गिवन है W1 आपके पास है. टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%. जब ये ऐड किया गया तो वेपर प्रेशर 80% तक रिड्यूस हो गया. रिड्यूस मीन अप टू 80% चला गया. मीन अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, 80 हो गया. रिड्यूस्ड टू 80%, रिड्यूस्ड टू, नॉट रिड्यूस्ड बाई नहीं, ये दिस इज रिड्यूस्ड टू 80%, मीन 100 से 80 हो गया. तो देखो यहाँ पर क्या, कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे इसका, थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. पहले गिवन डाटा बार बार बोलता हूँ, आप नोट करिए. मोलर मास हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का है 40 ग्राम पर मोल. कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, W2 हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, आगे विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. गिवन मास है ऑक्टेन का 114 ग्राम. मोलर मास कैलकुलेट करो भाई ऑक्टेन का. मोलर मास सॉल्वेंट है ना ऑक्टेन का, OCTANE ऑक्टेन बेटा. ऑक्टेन क्या होता है, ऑक्टेन इज दैट हाइड्रोकार्बन विच हैज 8 कार्बन एटम्स. ऑक्टेन एल्केन है हैविंग 8 कार्बन एटम्स. 8 कार्बन एटम वाला एल्केन है, तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको बेटा. एल्केन में हमने जनरली डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, CnCnH2n+2, दिस इज मोलर फॉर्मूला और जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन. ऑक्टेन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, देखो C8 कितना होगा, 2n+2 होता है, मीन डबल करके 2 ऐड करना है. C8H कितना हो जाएगा, 8 2 16 + 2 18, ये बनेगा जनरल फॉर्मूला. मीन C8H18, दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्टेन है. ओके, नाउ हाउ यू कैन पुट दिस, C8 कार्बन का 12 × 8 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया 18, इसको हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल, अगेन इट कम्स आउट टू बी 114 ग्राम. सेम आएगा मोलर मास, जो गिवन मास वही मोलर मास आ रहा है, पर बड़ा इजी कैलकुलेशन बनेगी यहाँ पर, बड़ी इजी है ना. अब एक और पॉइंट, अब क्या हमें क्या कैलकुलेट करना है,
वी अब आगे छोटा सा पॉइंट लियो ना यहां पर इसको अंडरस्टैंड करना टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% मीन इफ P not A है जो प्योर सॉल्वेंट का हम अज्यूम कर लेते हैं दैट इज 100 देन PS कितना हो गया बेटा 80 हो गया ये रिड्यूस टू 80% आ गया देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बेटा एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहां पर ध्यान से देखो वेपर प्रेशर 100 से 80 चला गया मीन 20% का डिक्रीज है बहुत ज्यादा डिक्रीज है कम डिक्रीज नहीं हुआ 20% का डिक्रीज इसका मतलब सॉल्यूशन ये बहुत ही डाइल्यूट नहीं है एक पॉइंट हमेशा मैं आपको यहां पर आप माइंड में रखना जो आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की मोर देन 5% हो अगर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मोर देन 5% है तो आपके लिए बेटर रहेगा आप कंप्लीट फार्मूला यूज करें रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का कंप्लीट फार्मूला कौन सा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस वाला तो बाय यूजिंग अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बाय यूजिंग कंप्लीट फार्मूला बाय यूजिंग कंप्लीट फार्मूला कौन सा भाई पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन याद हो तो आप लोगों को ये मैंने करवाया था ये कंप्लीट फॉर्मूला बोलते हैं कंप्लीट फॉर्मूला क्यों बोलते हैं कि हमने इसमें N2 अपॉन N1 प्लस N2 सब कुछ कंसीडर किया था कुछ भी नेगलेक्ट नहीं किया था इस फॉर्मूले में हमने ये फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था मॉडिफिकेशन किया था मैंने इसमें ठीक है ना तो दिस इज कंप्लीट फॉर्मूला इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है अब क्या होगा देखो इसमें N2 क्या होगा N2 इज इक्वल टू W2 बाय N2 N1 W1 बाय N1 पुट द वैल्यूज W2 बाय M2 अपॉन W1 बाय M1 ये पुट करेंगे पुट P नॉट है कितना बेटा 100 PS कितना बेटा रिड्यूस टू 80% तो 80 हो गया ओवर 80 इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट करना था बेटा आप लोगों को W2 हमें W2 कैलकुलेट करना है तो M2 हमें गिवन है देखो W2 वी हैव टू कैलकुलेट हियर M2 कितना है बेटा दैट इज 40 मल्टीप्लाई बाय M1 क्या है बेटा व्हाट इज वैल्यू ऑफ M1 114 W1 की वैल्यू भी क्या है बेटा 114 दिस एंड तो कैसे कैलकुलेट करें हम दैट इज W2 इज इक्वल टू क्या बन गया देखो यहां पर 100 माइनस 80 20 ओवर 80 20 ओवर 80 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई बाय 40 चला गया यहां ठीक है क्या आ गया देखिए 20 4 जा 4 10 जा 10 ग्राम W2 इज 10 ग्राम मीन This amount of non-volatile solute is added when vapor pressure of pure solvent reduced to this 80%. 100 से 80% आ जाएगा. अब इसमें एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ. कभी बच्चा बड़ा जल्दी से पजल हो जाता है. क्या? कई बार क्या हो जाता है कि मान लो यही न्यूमेरिकल है और इसी न्यूमेरिकल में सपोज मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा ये. सब कुछ सेम है. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि W2 आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 40% मैं ऐसे कर दूं सपोज रिड्यूस्ड बाय 40% टू और बाय का मीनिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहां पर रिड्यूस्ड बाय 40% मीन 40% डिक्रीज हुआ है बच्चा कितना पीएस फिर 100 माइनस 40 60 बच्चा ये ध्यान रखना आप लोगों को यहां पर है ना M2 ये हो गया W2 कैलकुलेट करना है W1 भी आपने यही ले लिया M1 भी आ गया आपका P नोट अगर 100 है तो PS कितना होगा यहाँ पर चेंज होगा थोड़ा सा इसमें PS कितना हो जाएगा बेटा कह रहा है कि रिड्यूस्ड बाय 40% 40% से रिड्यूस हुआ है मीन प्योर सॉल्वेंट का 100 था तो 40 रिड्यूस हुआ है इसमें से तो बच कितना गया बेटा 60 मीन इन दैट केस इन क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर ये 60 पुट करेंगे हम यहाँ पर पीएस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 60 आ गई बेटा दिस 60 ये भी 60 बाकी वैल्यू सॉल्व कर दिया हमने पुट कर दो क्या आ जाएगा 100 माइनस 60 कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40 हो गया ये कट करो भाई इसको मल्टीप्लाई बाय 40 दिस देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगी ठीक है एंड 4 4 जा 16 160 बाई 6 तो कितने बजाएगा देखो ये
कौन फोर जा 160 by 6 में चला गया। देखो ये दिस वन, अब इसको सोल्व कर दो, घट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई कितना आएगा देख लो। यस 6 से आप डिवाइड कर देना आपका आंसर आ जाएगा ये दिस। 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 2 जा जाएगा 6 2 जा 12 कितना हो गया 12 जाएंगे 4 40 40 बच गया है। 6 5 जा 36 6 6 जा 36 6 6 जा 36 दिस 4 रह जाएंगे फिर से 36 जाएंगे ना, तो अभी 40 रह गया था ना 36 फिर से 4 आ जाएगा अगेन 6 6 जा 36 मीन 26.6 ग्राम दिस W2 ये आ जाएगा आपका आंसर। मीन इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट, आपको अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर रिड्यूस्ड बाय है या रिड्यूस्ड टू है, टू और बाय का डिफरेंस आपको जरूर अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ एंड लेट लॉ इन वेपर प्रेशर। फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन गो थ्रू न्यूमेरिकल्स इन योर टेक्स्ट बुक्स। थैंक्स अगेन, आई वांट टू टेल यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।